Hi dude, I am Ram Yadav. I am doing well and I hope you are also doing well. Now you are connected with YouTube channel Get Goal Online. जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि 18 तारीख को यूपी टेट होने वाला है, मतलब कि कल का दिन बीच में है, परसों यूपी टेट एग्जाम है, तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे पूरा के पूरे। तो इन क्वेश्चनों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखिएगा। वीडियो 2 या 3 मिनट की वीडियो रहेगी, 3 मिनट में आपको 2 या 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आज की ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लेके आए हैं। और मेन टॉपिक हमने पर्सनैलिटी के बारे में इसमें बताया है आपको, बहुत ज़्यादा डीपली बताया है कि जो पर्सनैलिटी से जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो सारी क्वेश्चनों को लेके आए हैं आज हम। सो गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हमारे साइंस और इन्वायरमेंट सीरीज चल रही है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आए फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF वगैरह लिंक प्राप्त हो सके। चलते हैं क्वेश्चन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, हमें देखना यह है कि बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्राइड का मनो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो कौन सा विकास सिद्धांत है? मनोलैंगिक। और इन्हीं का है मनोविश्लेषण सिद्धांत ही फ्राइड का है। कौन सा है? मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, समलैंगिक विकास सिद्धांत किसका है तो फ्राइड का है, और या मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है तो वो भी फ्राइड का है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट जो है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? तो मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछेगा कि विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो प्याजे जी हैं। या क्वेश्चन दे देगा प्याजे का कौन सिद्धांत है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कुछ ऑप्शन ये रहेगा, तो 3 अलग रहेंगे, कौन सा सही है। तो वो इस तरीके से आपको चूज करके आंसर निकालने हैं, तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इनको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है वो है इरिक्शन। तो इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। तो इरिक्शन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। तो इरिक्शन, अब मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? इरिक्शन ने दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन आप कन्फर्म चांस रहते हैं आने के, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत। मतलब भाषा विकास के सिद्धांत से आता है हिंदी में यह क्वेश्चन। तो चोमस्की हैं जिन्होंने भाषा विकास पर काम किया था और भाषा विकास में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5वां, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। जो कोहलबर्ग ने दिया था वो नैतिक नैतिकता पर सिद्धांत दिया था अपना, और विकास नैतिक नैतिकता का विकास किया था। तो कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत है। तो आप इन सभी 5ों क्वेश्चनों को आप कन्फर्म देखते रहें, जिसमें से ये क्या क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, बनी हुई है। सो गाइस, हम बात करते हैं अब अपने व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये किसने कहा है? वो गिलफोर्ड जी ने कहा है। डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन आती है गिलफोर्ड, ये किसने कहा है? तो गिलफोर्ड जी ने कहा है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत की। जो व्यक्तित्व में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो व्यक्तित्व में पहला सिद्धांत हमारा आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। लैंगिक वाला और मनोविश्लेषण सिद्धांत दोनों ही किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पहला सिद्धांत आपका ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने दिया था। उसकी एकदम एक मान सेल्डर या शोल्डर समझ लीजिए, जिससे कि सैनिक उनकी बॉडी क्या होती है, हृष्ट पुष्ट होती है। तो मतलब शारीरिक रचना के आधार पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील गुर सिद्धांत। सील गुर सिद्धांत कौन से? अल्पोट या कैटल। तो अल्पोट या कैटल जी ने सील गुर सिद्धांत का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका है वो क्वेश्चन आपका आता है मांग का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत क्या है? मांग के सिद्धांत को ही हम किसका सिद्धांत? आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों सिद्धांत एक ही बात है, मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मैस्लो जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितवाद। ये किसने दिया था? गार्नर मर्फी जी ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो परिस्थितवाद का मतलब पारिस्थिति की समझ लीजिए। पारिस्थिति मतलब क्या होती है? पेड़ पौधे होते हैं, उनसे पर्याप्त पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तंत्र का मतलब गार्डन होता है वहाँ पे, तो जैसे गार्डन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो गार्डन से आप कनेक्ट कर सकते हैं पारिस्थिति को। तो गार्डन मर्फी जी ने पारिस्थितिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अस्तित्ववादी सिद्धांत। अस्तित्ववादी सिद्धांत क्या है, मतलब अस्तित्व किसी का होता है तो काल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब समय के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काल काल रोजर्स। तो अस्तित्ववादी सिद्धांत को किससे कनेक्ट करेंगे हम, काल रोजर्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, और आंसर रिपीटेड में आता है तो आप राइट चेक कर देंगे। अब थोड़े से हम डिटेल जान लेते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत में, जो कि इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है, प्रतिपादक जो किया था वो सिगमंड फ्रायड जी ने किया था। इसका मुख्य प्रत्यय क्या है, मुख्य प्रत्यय क्या है, नंबर एक अचेतना अचेतनता, और दूसरा क्या है, इद अहम पराहम। तो इड ईगो सुपर ईगो, इनको तीन भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, फ्रायड जी ने बांटा है मनोविश्लेषण सिद्धांत में। और इसी में आता है अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो इनकी मतलब पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था में इस तरीके से बांटा गया है, बच्चा परिपक्व होता चला जाता है। तो मेन चीज़ क्या है, इड ईगो सुपर ईगो, तो ये चीज़ मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो तीन भागों में बांटा है, तो किसने बांटा है, सिगमंड फ्राइड ने बांटा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन टेट में आया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखते रहेंगे आप। नेक्स्ट सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो आते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण मतलब व्यक्तित्व को मतलब किस आधार पर बांटा गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर विचार शक्ति के आधार पर जो बांटा है वो थॉर्नडाइक जी ने बांटा है, मतलब व्यक्ति को व्यक्तित्व को विचार और शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक जी ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व को शरीर के आकार प्रकार के आधार पर किसने बांटा है, बार्नर जी ने बांटा है, मतलब शरीर का आकार प्रकार देख के दोनों चीजें, तो बार्नर ने बांटा है। और स्वभाव के आधार पर किसने बांटा है, तो सेल्डन ने बांटा है, मतलब किस तरीके का स्वभाव है बच्चे का, तो ये किसने बांटा है, सेल्डर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो शारीरिक शरीर रचना के आधार पर, तो शरीर रचना के आधार पर किसने बांटा है, क्रेचमर, तो क्रेचमर थे शरीर, तो शरीर को किसके अनुसार बांटा है, तो शारीरिक रचना के आधार पर क्रेचमर जी ने बांटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स आता है, वो आता है शैक्षिक परीक्षण एवं अध्ययन के विषय। तो नंबर एक आता था टेट परीक्षण, तो ये भी किसके संबंधित, जैसे सभी के सभी किससे हैं, व्यक्तित्व से संबंधित रिलेटेड परीक्षण है। तो टेट परीक्षण क्या होता है, टेट परीक्षण में किसका विषय का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व तो लक्षण का। तो जो टेट परीक्षण होता है किसके काम आता है, व्यक्तित्व तो लक्षण के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा स्याही डब्बा परीक्षण किससे रिलेटेड है, मतलब किससे क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो अचेतन प्रेरणा, अचेतन प्रेरणा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन परीक्षण, तो निष्पादन परीक्षण जो होता है वो किसका अध्ययन करते हैं, अशिक्षितों की बुद्धि पर, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है, जो अशिक्षित होते हैं वो निष्पादन होते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं कर पाते, इस तरीके से समझ लीजिएगा। जो तो मौखिक परीक्षण होता है वो शिक्षितों की बुद्धि के लिए होता है, मतलब मौखिक परीक्षण मतलब जो व्यक्ति बुद्धिमान है तो उनके ही लिए होगा, शिक्षित बुद्धि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटी परीक्षण, चिमटी परीक्षण होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिमटी परीक्षण, तो चिमटी परीक्षण किससे हो गया, यांत्रिक कौशल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति परीक्षण, तो स्मृति परीक्षण में स्मृति का ही प्रयोग अध्ययन किया जाता है। अब हम व्यक्तित्व के मतलब प्रतिपादक देख लेते हैं, शैक्षणिक परीक्षण एवं प्रतिपादक, मतलब कौन कौन से परीक्षण हैं और प्रतिपादक कौन जी हैं। तो नंबर एक आता है टेट वाला परीक्षण आता है, टेट का परीक्षण होता है मार्गन एवं मर्रे ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोसा स्याही डब्बा परीक्षण, तो हरमन रोसा ने, रोसा आ गया तो रोसा आप सेम मिलेगा, तो ये दोनों के इसमें इसी के परीक्षण हो गया। कैट CAT कैट परीक्षण को किसने किया है, तो लियोपोल्ड बेलक, बेलक, तो बेलक है ना, तो कैट का मतलब कैट माने बिल्ली, बिल्ली से क्या हो जाएगा, बेलक हो जाएगा, आप इस तरीके से कैट माने बिल्ली, बिल्ली से बेलक, तो ब्लैक ब्लैक ने क्या किया था, लियोपोल्ड ब्लैक ने, तो इसको बेलक भी आ जाता है लिखा हुआ बेलक ये नाम से, तो आप इस तरह कन्फ्यूजन ना हो, तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्द सहचर विधि, तो ये विधि किसने दी थी, जो गाल्टन ने दी थी, इसमें क्या था 75 शब्द थे, जो यूंग ने जो दिया था शब्द सहचर नियम, तो यूंग के अनुसार 100 शब्द हैं, तो गाल्टन ने दिया था, यूंग ने दिया था, गाल्टन वाले में 75 वर्ड्स हैं और यूंग जी के द्वारा जो दिया गया था उसमें 100 वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो होता है क्रॉस आउट परीक्षण, तो क्रॉस आउट परीक्षण भी प्रेसी ने दिया था, किसने दिया था, क्रॉस आउट प्रेसी ने, ये भी व्यक्तित्व का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी एवं बहुमुखी परीक्षण, तो ये दिया था लेयर्ड, मैरिस्टोन एवं हीडर ने दिया था, ये तीनों ने परीक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौजिक परीक्षण, तो मौजिक परीक्षण भी किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, ये दिया था मार्गरेट लेविनफील्ड ने, मार्गरेट लेविनफील्ड ने ये दिया था।
सो गाइस इस तरीके के हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें जिससे कि आपको एक दो या तीन नंबर यहाँ से कंफर्म हो सकें। गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। गाइस हमारी सीटेट सीरीज चल रही थी लेकिन अभी यूपी टेट के कारण बंद कर दिया। यूपी टेट के बाद में मंडे से हम अपना सीटेट के सीरीज कंटिन्यू लेके आएंगे। बुद्धि के सिद्धांत की हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा बुद्धि के सिद्धांतों से। सो गाइस कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहें और आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी टेट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।